गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ है ऑनेस्टली हेयर ऑयलिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मैं मोस्टली हफ्ते में दो बार ऑयलिंग करती हूँ, एक तो मैं वेडनेसडे को करती हूँ और एक संडे को करती हूँ। तो मतलब मैं दो बार हेयर वॉश भी करती हूँ। तो हेयर वॉश करने से पहले मैं अपने बालों को पूरा हैवी ऑयलिंग करती हूँ। तो जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है, अगर मुझे समय मिलता है, मतलब हेयर वॉश करने के एक दिन पहले मैं रात में करके सो जाती हूँ, या फिर अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं सुबह में ही, जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उस दिन दो घंटे पहले, हेयर वॉश से दो घंटे पहले मैं हैवी ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं या फिर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रही है, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे तो दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालूंगी उसी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगी। ऑयलिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हेयर ऑयलिंग, आप ऑयलिंग करने से आपके बाल हेल्दी रहते हैं, आपकी जड़ें मजबूत होती है और आपके बालों में मॉइस्चर आता है, चमक आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करवाती है, आपके बाल एकदम रूखे और बेजान हो गए हैं, तो आप अभी से ही हेयर ऑयलिंग अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर लीजिए। तो यकीन मानिए, हेयर ऑयलिंग से आपके डैमेज हुए बाल भी रिपेयर हो जाएंगे। हेयर ऑयलिंग के ये भी फायदे होते हैं, और मसाज करने से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ हेयर मसाजिंग के कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट होने लगेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप मेरे हेयर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं घर पे इसी तरीके से रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने जो चोटी है उसको पहले खोल लूंगी, उसके बाद बड़ी दांत वाली कंघी लेकर मैं अपने बालों को अच्छे से पहले सुलझा लूंगी। एक भी नॉट्स नहीं रहनी चाहिए। कंघी करते वक्त आपको एक बात की सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने बालों को कभी खींच के कंघी ना करें, एकदम धीरे धीरे और आराम से कंघी करें। इससे बाल आपके अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ज्यादा खींचने से आपके बालों की स्ट्रेंथ लूज हो सकती है। तो मैंने यहाँ कंघी कर लिया है, उसके बाद मैं लूंगी ऑयल। तो ये मैंने घर पे होम मेड एलोवेरा ऑयल बनाया था, तो वो वही है। तो मैं एक कटोरी में अपने बालों के लेंथ के हिसाब से एलोवेरा ऑयल ले लूंगी। अगर आप एलोवेरा ऑयल बनाना नहीं जानती हैं, तो मैंने इस ऑयल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जाके देख सकती है कि मैंने इसे घर पे कैसे बनाया है और इसके फायदे के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कैस्टर ऑयल। तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं इसमें करीबन 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल ऐड कर दूंगी। और होममेड एलोवेरा ऑयल मैंने कैसे बनाया है उसका जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप वहां से जाके देख सकती हैं। उस कैस्टर ऑयल डालने के बाद हम इस तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक चम्मच की मदद से। तो ये मेरा ऑयल रेडी है बालों में लगाने के लिए। तो अब इस ऑयल को मैं कॉटन की मदद से अपने बालों में लगा लूंगी। तो कॉटन से मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कॉटन जो होता है ऑयल को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपकी जो ऑयल जड़ों में आप जब ऑयल को लगाएंगे वो अच्छे से लग जाएगी, जड़ों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी। हाथ से उतना अच्छे से नहीं लग पाता है, पर कॉटन आप यूज करेंगी तो आप खुद
देख पाएंगी कि ये मतलब ज्यादा अच्छा से लग जाता है, इसलिए मैं कॉटन से ही लगा रही हूँ। बालों का सेक्शन वाइज डिवाइड करते हुए पहले आप ऑयल को मतलब बालों के जड़ों में अप्लाई कर ले। पहले तो बालों के जड़ों में अप्लाई करें, इससे आपकी जड़ें हेल्दी रहेंगी तो आपके पूरे बाल भी हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बालों के जड़ों में अच्छे से तेल लगाएं। बालों के पीछे भी इस तरीके से सेक्शन वाइज डिवाइड करते हुए तेल लगाएं। पीछे की तरफ तो बिल्कुल ही ना भूले। कई लोग आगे की तरफ लगा के छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे भी इसी तरीके से पार्टीशन करते हुए अपने बालों को ऑयल लगाएं। बालों की जड़ों में तेल अप्लाई करने के बाद आप पूरे बालों का इस तरीके से सेक्शन वाइज डिवाइड करते हुए आप पूरे बालों में तेल लगा लें। इस तरीके से तेल लगाने से आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे, वो रूखे और बेजान नहीं रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे। सिर से लेके नीचे तक जितने भी आपके बाल है पूरे हेल्दी रहेंगे, उनमें मॉइस्चर की कमी कभी नहीं होगी और स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप बालों में ऑयल अप्लाई कर ले। तो अपने फिंगर टिप्स की मदद से अपने बालों को हल्के हाथों से मसाज करें, एकदम धीरे धीरे इसी तरीके से मसाज करें। ये तो हुआ पहला मसाजिंग का तरीका। अब दूसरे तरीके में आप अपने फिंगर में इस तरीके से बालों को लपेट के इस तरीके से उसे हल्का सा पुश करें, उसे खींचे। बस इसी तरीके से आपको चारों तरफ अपने बालों को करना है। इस तरीके से मसाज करने से आपके बालों की ब्लड सर्कुलेशन सही रहती है, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है। अब तीसरे तरीके में अपने बालों को इस तरीके से नीचे लटकाकर और हल्के हाथों से उसे मसाज करें। इस तरीके से मसाज करने से आपके बालों की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। ये तो हुए मसाजिंग के टिप्स। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में अपने बालों को एक बन बना लेंगे और पॉलिथीन की मदद से आप अपने बालों को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। इसे आपको 1.5 घंटे तक कवर करके छोड़ देना है। कवर करने से आपके बालों में से नेचुरल गर्मी निकलेगी, जिससे आपके बालों को जरूरत के हिसाब से पोषण मिल जाएगा और जो आपने ऑयल लगाया है वो जड़ों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको इसे कम से कम 1.5 घंटे तक छोड़ना है। तो मैंने यहाँ करीब 1.5 घंटे से अपने बालों को कवर करके रखा है, तो आप उसमें नेचुरल मॉइस्चर देख सकती हैं, ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको। उसके बाद पॉलीथीन को इस तरीके से निकाल के अपने बन को खोल लेना है और उसके बाद आप मोटी दांत वाली कंघी से अपने बालों को कोम करें। अगर आपको अभी स्नान करना है तो अभी आप जाके स्नान कर सकती हैं, पर आप ये रात में प्रोसेस कर रही हैं तो आप हल्का सा कोम करके अपने बालों को इस तरीके से एक ब्रेड बनाकर और रात भर उसे छोड़ सकती हैं और सुबह में इसे वॉश कर सकती हैं। तो ये हमारी जो सारी ऑयलिंग की प्रक्रिया है, कम से कम आपको इसमें 2 घंटे तक समय देना है। तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं अपने हेयर को वॉश करके आ गई हूं, तो आप मेरे बालों के चमक से अंदाजा लगा सकती हैं कि ऑयलिंग आपके बालों के लिए कितना अच्छा है। तो बस यही था मेरा हेयर ऑयलिंग रूटीन। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिला होगा। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार।